बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फैसल घुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानियों को बाहर जाने का बड़ा क्रेज़ है, पूरी दुनिया फिरने का बड़ा क्रेज़ है। फैमिलीज़ विज़िट वीज़े पे, इमिग्रेशन वीज़ाज़ पे जाना चाहती हैं, और इंडिविजुअल्स जो हैं वो एजुकेशन वीज़े पे जाते हैं, वर्क वीज़े पे भी लोग जाते हैं लेकिन कम जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको पता है कि हम पाकिस्तानियों के पासपोर्ट को जब भी बाहर वो परखते हैं, मुख्तलिफ मुल्क जिसमें यूरोप है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, बाकी मुल्क हैं, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, मसले मसाइल होते हैं। हमारा जो रिकॉर्ड है इन मुल्कों में दो नंबरी का, फ्रॉड का, और पाकिस्तानियों की जो बदनीयती है वो हमें नज़र आती है अक्सर इन मुल्कों के अंदर, तो फिर हमारे पासपोर्ट की कदर क्या होगी। हमारा पासपोर्ट तो आपको पता है कि इस वक्त वर्स्ट जो है, बदतरीन पासपोर्ट्स की लिस्ट में आता है और बिल्कुल नीचे आता है। इमेजिन करें कि एक रिपोर्ट जारी हुई है जो कि मैं नाज़रीन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये रिपोर्ट एक जारी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, जिसके तहत बरतानिया ने पिछले साल 2023 जो गुज़रा है इसमें 5.3 मिलियन पाउंड के वीज़े पाकिस्तानियों के रिजेक्ट किए हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन कोई 1.87 अरब रुपया बनता है। नाज़रीन, इमेजिन करें कि पाकिस्तानियों के कितनी बड़ी तादाद में वीज़े जो हैं वो रिजेक्ट हुए, और ये तकरीबन कोई 40% एप्लीकेशंस बनती हैं पाकिस्तान की तरफ से जो के रिजेक्ट हुई हैं। हमारे पासपोर्ट के हालात देख लें कि हम कितना लीस्ट प्रेफरेंस पे आते हैं, और देखें किस तरह हमारी कौम, पाकिस्तानी कौम अप्लाई करती है। उसके बाद अगर आप देखें तो शेंजन वीज़ा जो यूरोप के 27 से 30 मुल्कों में इशू होता है, उसमें भी 50% के करीब रिजेक्ट हुए हैं 2023 में, इमेजिन करें। और इसमें, और ये तकरीबन को पाकिस्तानी बनते हैं 99 करोड़ और चंद लाख बनते हैं जो उन्होंने कमाए इन मुल्कों ने, और पाकिस्तानियों के वीज़े बड़े आराम से रिजेक्ट किए और अपनी जो मईशत है उसमें बेहतरी लेके आए। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो पाकिस्तान के बाद बांग्लादेशी जो हैं उसके भी इंग्लैंड ने तकरीबन कोई 2.3 मिलियन जो पाउंड हैं उसके वीज़े रिजेक्ट हुए, और फिर अल्जीरिया आता है $3.6 मिलियन, और अल्बानिया $1.9 मिलियन, घाना $1.8 मिलियन, और मराकेश $1.6 मिलियन। और ये जो रिपोर्ट जारी हुई, नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि ये रिपोर्ट जो एनालिसिस किया गया है, ये लागो कलेक्टिव एक है अपना ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्चर्स हैं उसमें, पॉलिसी मेकर्स हैं और डिज़ाइनर्स हैं, ये उन्होंने सर्वे किया है। अब नाज़रीन अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग पाकिस्तानी कहाँ खड़े हैं। हम इस मुल्क के मुल्की हालात को देखते हुए हम पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं लेकिन हमारे वीज़े बड़ी तादाद में रिजेक्ट होते हैं। तो नाज़रीन, ये एक अलमिया है हमारी हुकूमतों के लिए भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी, और सारी सियासी पार्टियों के लिए, कि पासपोर्ट की जो वैल्यू है पाकिस्तान की वो हमने ओवरऑल कैसे बेहतर बनानी है और हम कहाँ कहाँ फॉल कर रहे हैं। ये हमारी सियासी चैलेंजेस भी हैं, हमारे मौशी चैलेंजेस भी हैं, अवाम के चैलेंजेस भी हैं, और ओवरऑल मिनहसल कौम जो एक क्राइटेरिया सेट होता है पासपोर्ट की, एक स्ट्रेंथनिंग का, कि एक पासपोर्ट कौन सा पासपोर्ट दुनिया में मजबूत कंसिडर किया जाता है। तो ये अब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि हमने एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है इन मुल्कों को हम दे रहे हैं और हमारे वीज़े रिजेक्ट होते हैं, और सन 2024 भी आपको पता है कि कोई इतना अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो रिपोर्ट है इसने एक दफ़ा जो है वो हैरान कर दिया है कि 1.87 अरब रुपया पाकिस्तानियों ने दे दिया बरतानिया को कि आप हमें वीज़े दें, लेकिन उनके वीज़े रिजेक्ट हुए और उनकी मईशत और उनकी जो इकॉनमी है वो इम्प्रूव हुई। अच्छा नाज़रीन, रिपोर्ट में जो है फर्दर फिर इसकी बाइफरकेशन है कि अपना
कि इसमें कौन कौन से वीज़ाज जो हैं वो किस तरह रिजेक्ट हुए हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। फिर आपको पता है कि पाकिस्तानी वीज़ाज, पाकिस्तानियों को वीज़ाज इसलिए भी रिजेक्ट होते हैं कि हम ओवरऑल हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं पाकिस्तानियों के वो मीट नहीं होते, हम अगर हम बाकी मुल्कों के साथ मुकाबला करें। और फिर जब वीज़े नहीं लगते तो फिर गैर कानूनी तरीके से हमारी यूथ ख़ास तौर पे उसमें मतलब पढ़े लिखे भी हैं, उसमें कम पढ़े लिखे भी हैं और बिल्कुल जो है जो गवार हैं, जो मतलब निकलना चाहते हैं इस मुल्क से, वो फिर मुख्तलिफ़ कश्तियों के हादसों में अपनी जानें गंवा बैठते हैं और यूरोप जाने की और जाने की एक एफर्ट में देखिए कितने पीछे वाकयात हो चुके हैं जिसमें कश्तियां उल्टी और पाकिस्तानी अपनी जानों से गए, लेकिन हम फिर पाकिस्तानी नहीं इस चीज़ को जो है अपना बाहर जाने की जो हमारी एक है जस्तजू है उसको हम छोड़ते नहीं हैं। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट का कमज़ोर होना ये हकूमत के लिए भी लम्हा फिक्रिया होना चाहिए और अवाम के लिए भी कि हम अपनी साख तेज़ी से खोते जा रहे हैं। पैसा बड़ा है पाकिस्तानियों के पास, अगर इन्होंने पाकिस्तानियों ने बरतानिया और शेंजन वीज़े के लिए सन 2023 में मिलियंस ऑफ पाउंड्स और मिलियंस ऑफ यूरोस खर्च कर दिए तो उनको वीज़े नहीं मिले, तो फिर ये सोचने का मकाम है कि हम बदनीयत क्यों हैं, हम फ्रॉड्स क्यों करते हैं पूरी दुनिया में। और वो पाकिस्तानी माजरत के साथ हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं जिसमें हमारे रिश्तेदार भी शामिल हैं, सब ठीक, सब ख़राब नहीं हैं, लेकिन जो यूरोप के मुल्कों में और बरतानिया में जो पाकिस्तानी बदनीयत की बुनियाद पे फ्रॉड करते हैं और वहाँ की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उससे ना सिर्फ उनके लिए मुश्किल आती हैं, उनकी वहाँ रिप्यूट ख़राब होती है, जो पाकिस्तानी यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी लॉज़ को सख्त कर दिया जाता है। हमारे जैसे ममालिक के लिए हमें ऐसे मुल्कों से सीखना चाहिए कि जिन मुल्कों के पासपोर्ट्स जो हैं वो हमसे बेहतर हैं, उसमें हमारे हमसाया ममालिक भी हो सकते हैं। तो इसमें नाज़रीन, मैं आपको वंस अगेन यही बताता चलूँ कि हमें अपने पासपोर्ट्स जो हैं उसको अगर हमने बेहतर करना है तो हमें एज ए नेशन भी सोचना है कि हम अपने आप को कैसे दुरुस्त करें, और हम पूरी दुनिया का अगर हमने मुकाबला करना है और हमने पूरी दुनिया को देखना है, सैर करनी है, तो फिर हम अपने मामलात को, अपनी डीलिंग्स को ठीक करें। अच्छा नाज़रीन, दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि कल से यानी 11 जून से बरतानिया ने जो विज़िट वीज़ा है उसकी फ़ीस 100 पाउंड से बढ़ा के 120 पाउंड कर दी है, और शेंजन वीज़ा जो है वो 80 यूरो से 90 यूरो का हो गया है। इससे जो है ये रिपोर्ट ये बता रही है कि इस एक्ट से क्या होगा कि सन 2024 ये जो जा रहा है इसमें भी वीज़ाज की जो रिजेक्शन है वो बढ़ेगी, चूँकि माइग्रेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो टाइटन हो रही हैं, यानी सख्त हो रही हैं माइग्रेशन पॉलिसीज़। अब नाज़रीन, बात यह है कि अगर हम अपने भाई जो हमारे बाहर हैं, भाई बहनें बाहर हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, अजीज़ हैं, उनसे हम जब भी पूछते हैं बरतानिया की बात करें या यूरोप के दूसरे मुल्कों की बात करें, तो वो यही बताते हैं कि पाकिस्तानी जो वहाँ पर सेटल्ड हैं या यहाँ से जो पाकिस्तानी मुख्तलिफ वीज़ाज़ के साथ जाते हैं उनकी वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे जो कि वहाँ के लॉज को सामने रखते हुए जिनकी ममानियत है, जो बैन है वहाँ पे। अब अगर हमने इस तरह की हरकतें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ने वहाँ करनी है इन मुल्कों में, और यहाँ से जो पाकिस्तानी हर साल जाते हैं वो भी अगर गैर कानूनी सरगर्मियों में इन्वॉल्व होंगे और फिर पर्चे भी भुगतेंगे, सज़ाएँ भी काटेंगे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं उनको वो कभी तरजीही बुनियादों पे वीज़े जारी करेंगे। तो ये एक हमारा अलमिया है, हमारे हम जवाल का शिकार हैं पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, कि हमारी कदर नहीं है। हमारी कदर इस वजह से नहीं है कि हमने कभी नेशन बन के सोचा नहीं, और हमारे वो पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं उन्होंने कभी इस चीज़ का एहसास नहीं किया कि पाकिस्तानी जो यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं
और वो विज़िट वीज़े पे जाना चाहें या एजुकेशन वीज़ा पे जाना चाहें, स्टडी वीज़ा पे, या इमिग्रेशन वीज़ाज या बिज़नेस वीज़ाज या मतलब वर्किंग वर्क वीज़े पे जाना चाहें, तो हम ऐसी हरकतें ना करें कि जिससे पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज़ में प्रॉब्लम आए और एक बहुत बड़ा सरमाया पाकिस्तान से फीसों की शक्ल में निकल जाए। अब ये फीसें समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई और बहनें, बच्चे बच्चियाँ, वो मुख्तलिफ एजेंट्स और कंपनीज़ के हाथों भी एक्सप्लॉयट हो रहे होते हैं और ओरिजिनल फ़ीस देने के बावजूद वो एक्स्ट्रा फीसें भी देते हैं, तो वो एक अनरिपोर्टेड है कि वो कितना पैसा इसके अलावा जो है पाकिस्तानी खर्च करते हैं। तो हमें सोचना है, हमें इस ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त शिवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, इसको भी सोचना है कि हमने अपने पासपोर्ट की कदर को कैसे बेहतर करना है और उसमें हमारी फॉरेन सर्विस और हमारी जो एम्बेसीज़ हैं उनका क्या रोल है, जो कि वो अपना रोल प्ले नहीं कर रही, और पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने अपने मुल्क की पासपोर्ट की अहमियत को किस तरह बेहतर करना है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।